श्री गणेशाय नमः, जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द वर्गो साइन यानी कि कन्या राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सब लोगों के लिए क्या गुड न्यूज़ लेके आ सकता है। जी हाँ, ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, आई वेलकम यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो भी इधर स्क्रीन पर ही आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन फॉर ऑल द वर्गो। पहले आपकी लव लाइफ की बात करते हैं और फिर बात करेंगे करियर की। सो वर्गो, कैसा जा रहा है आपका ये वीक? फेस्टिवल, ऑल फेस्टिवल, क्या नया कर रहे हैं मुझे बताइए। ओके वर्गो, वर्गो के लिए तो ये है कि आई थिंक यू आर लाइक मे बी आप ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहे हैं, एंडिंग के थ्रू निकल रहे हैं, सेपरेशन के लिए, और मे बी इट्स अबाउट डीप बरीड इमोशन। ठीक है, अंदर ही अंदर तहलका मचा हुआ है, अंदर ही अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, वो ऑलरेडी इट हैज़ टेकन प्लेस। ठीक है, अब कितना वक्त लगे, क्या हो, ये तो राम जाने। तो वो चीज़ें हैं। तो येस ऑफकोर्स, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि देयर वॉज अ रिलेशनशिप, देयर इज़ अ रिलेशनशिप, आप उस चीज़ में से निकल रहे हैं। और आई एम गेटिंग अ फायर, यू नो, लाइक देयर वॉज समथिंग नेगेटिव या कुछ है या कुछ जो भी है, यू आर लीविंग बिहाइंड। ठीक है, आप उस चीज़ को छोड़ के आप लाइट की तरफ जा रहे हैं, यू आर फॉलोइंग। तो मे बी ये एक पर्सन के फॉर्म में हो सकता है, एक एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है, और मे बी यू आर ड्रॉन टू समथिंग। ठीक है, आप फॉलो कर रहे हैं लाइट पाथ और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट दैट यू हैव लव, ऐसा नहीं है दैट यू डोंट हैव लव, बट नाउ इट्स अबाउट स्टेपिंग फॉरवर्ड, यू नो, इट्स अबाउट। कुछ के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट देयर इज़ समथिंग, मे बी यू आर स्टिल वेटिंग फॉर अ मैसेज फ्रॉम समबडी, यू आर स्टिल वेटिंग बिकॉज बहुत इमेंस लव है। और हो सकता है कि कोई चीज़ है जो आपको ड्रॉ करती है एंड आप उस पर्सन को डायरेक्टली लाइक उनकी आँखों में, लाइक मे बी यू नो या यू कीप लुकिंग एट देयर पिक्चर, या हो सकता है कि इट्स अबाउट यू नो समथिंग रिलेटेड टू द आइज, और मे बी यू हैव ब्यूटिफुल आइज वर्गो, कुछ के लिए हो सकता है, यू नो, बट नेवर माइंड। हाँ, ये चीज़ें हो सकती हैं। और दूसरा, ये अपने आप को थोड़ा सा थोड़ा सा आपने अपने आप को यू नो प्रैक्टिकल कर लिया है, लाइक अब आप उतना ज़्यादा लाइक यू नो, क्योंकि आपने बहुत कुछ फेस किया है, चैलेंजेस बहुत फेस किए हैं लाइफ में बहुत कुछ, सो इट्स अबाउट दैट जोन, कि आप उस जोन में अभी भी वो थोड़ी सी वो चीज़ है जो मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द वर्गो पीपल। नाउ टॉकिंग अबाउट योर पार्टनर, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, दे आर इन टू द सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड। ठीक है, आई थिंक दिस इज़ द लाइट, मे बी दिस इज़ द लाइट, मे बी ये हो सकता है कि ये वो लाइट है, या देयर इज़ समथिंग। मान लीजिए कि दे आर अ वेकेंट सोल एंड यू आर, कोई है आपके राउंड जिनकी तरफ आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि आप ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप एंड कर चुके हैं, मैंने बोला ना कि कुछ चीज़ है आप कर चुके हैं, एंड देन यू आर मूविंग टूवर्ड समथिंग। अब वो कोई एनर्जी हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, एनी थिंग, एंड हो सकता है दिस इज द लाइट, यू आर लाइक यू नो क्या लाइक उनकी तरफ आप खींचे चले जा रहे हैं। और हो सकता है कि ये जो पर्सन है लाइक कहते हैं ना कि आप दे आर फार अवे फ्रॉम यू, दूरी है, कोई दूरी है ज़रूर। और दूसरा ये कि मे बी इट्स अबाउट लाइट, इट्स अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन, इट्स अबाउट दिस पर्सन इज कीपिंग देमसेल्व्स यू नो लाइक इन टू देयर सोन, वो चीज़ है। नाउ अगर फ्यूचर की बात करें, अगैन आई डोंट नो वाई बट आज सभी उसमें लाइक यू नो वो चीज़ बहुत दिखाई दे रही है, फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। सो अगर इस पर्सन के नेक्स्ट मूव, ये जो पर्सन है ना, ये कोई मूव नहीं लेने वाले, मुझे नहीं लगता, बिकॉज वो उनका ध्यान कहीं और है, या हो सकता है कि उनका पर्पस कोई और है, या दे आर स्लो, वेरी वेरी स्लो, दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। ठीक है, तो मे बी हो सकता है कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, कुछ है जो वो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और फ्री सोल, फ्री स्पिरिट, व्हाटएवर। तो आपका, आई थिंक यू आर ड्रॉन इनटू इमोशंस। ठीक है, मतलब हो सकता है कि आप इमोशंस में या कुछ मतलब बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल कई बार हो जाते हैं, इस रिलेशनशिप में टेंडेंसी बहुत है। ठीक है,
हो सकता है कि आपका कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन हो इन अ लॉन्ग रन, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, बट देयर इज़ लॉट ऑफ वर्क टू बी नीडेड, बहुत ज़्यादा. और अभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई उस मूड में नहीं है टू यू नो पुट एफर्ट्स टू पुट लाइक जो भी है इस रिलेशनशिप में पुट करना, वो चीज़ मुझे अभी नहीं दिखाई दे रही है. तो होल्डिंग ऑफ इमोशंस बहुत ज़्यादा है, बट हाँ पॉसिबिलिटी है रिकन्सिलिएशन की. चलिए अब हम बात करेंगे वर्गो के करियर की. वर्गो के करियर की अगर बात करें, लेट्स फाइंड आउट. ओके वर्गो, दिस वीक इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू. वाई सो? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वी हैव दैट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी. तो सेविंग मनी, यू नो, और मनी सेव कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, इट्स अबाउट दैट. और हेल्प, यू आर गेटिंग हेल्प, यू आर गेटिंग फाइनेंशियल हेल्प एज वेल. कोई नया कुछ हो सकता है, कुछ नया इन्वेस्टमेंट हो सकता है, नया प्लानिंग हो सकता है, बिजी रह सकते हैं. अगर आप बिजनेस करते हैं तो हो सकता है बिजी हो, बहुत सारा काम हो आपके पास, दिस इन दैट, बट दिस वीक इज गोइंग टू बी हैपनिंग. अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है कि कोई ड्यू था, कोई पेमेंट आनी थी तो वो भी आ सकती है, या कोई आपको यू नो लाइक अप्रेजल, प्रेज, यू नो, रिकग्निशन, कुछ अवार्ड, दिस एंड दैट, तो वो चीज़ इस हफ्ते हो सकती है. तो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ, दिस वीक इज़ लाइक गोइंग टू बी गुड फॉर यू, और आपके जो एफर्ट्स हैं वो पे ऑफ हो रहे हैं. अब देख लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द वर्गो पीपल फॉर द कमिंग वीक. टेंशन मत लीजिए. आई थिंक कभी कभी आपका जो दिमाग है ना, इट्स अबाउट मशीन, मशीन ही बना लेते हैं अपने दिमाग को. और माइंड, इट्स ऑल इन माइंड. बहुत ज़्यादा यू नो लाइक क्लैरिटी आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट्स अबाउट क्लैरिटी. लॉट ऑफ लाइक स्टफ़ गोइंग ऑन, कुकिंग, लॉट ऑफ स्टफ़, बहुत कुछ उधेड़ और बुन चल रही है आपके दिमाग में. सो उस चीज़ में से जल्दी अपने आप को बाहर निकालिए. और दूसरा ये है दैट वेट फॉर दैट डिवाइन टाइमिंग. और वो डिवाइन टाइमिंग पता कब आएगी? वो डिवाइन टाइमिंग तब आएगी जब आप इस चीज़ को रिमूव कर देंगे. बट क्योंकि ये है, क्योंकि आपके एंजल्स आपको बता रहे हैं कि यही चीज़ है जो आपको रोक रही है, यही चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, यही चीज़ है. बिकॉज लॉट ऑफ स्टफ, कहते हैं ना, वो क्या उसे बोलते हैं, इट्स लाइक कि आपका सब कुछ जो अपर चक्रास हैं वो ब्लॉक्ड हो रहे हैं. थर्ड आई चक्रा ब्लॉक हो रहा है, यू नो, थ्रोट चक्रा, या हो सकता है क्राउन चक्रा. तो ये जो चीज़ें हैं जहाँ सोचने, समझने, रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग, यू नो, अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें, तो वो है कुछ चीज़ जो ब्लॉक कर रही है. वो क्या ब्लॉक है? वो आपके माइंड में जो ओवर थिंकिंग है वो ब्लॉक कर रही है इन सब चीज़ों को. और हो सकता है कुछ लोगों को, लोग, आई जस्ट वॉन्ट टू मैंशन दिस, इज आई एम गेटिंग अ साइड मैसेज फॉर सम पीपल. किसी के लिए हो सकता है कि, हो सकता है इसी वजह से आपको माइग्रेन रहता हो, आइज में कोई प्रॉब्लम हो, मे बी यू हैव वीक आइज. कुछ लोगों के लिए हो सकता है थ्रोट प्रॉब्लम, कुछ के लिए हो सकता है साइनस. तो लुक फॉर द साइंस, मे बी ये चीज़ें हो सकती हैं, ये आप फेस कर रहे हो इन सब चीज़ों. तो ओवर थिंकिंग बंद कीजिए. तो दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई हो. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय. अपना ख्याल रखिए.